उठवे 7 रनों का योगदान दिया। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालते हुए गेंदबाज पंकज पाटिल, धनेश इलेवन कुक्स टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज, और काफी सारे रन है यहाँ पर पंकज के पास बचाने के लिए। क्रीज पर बल्लेबाज है देवेंद्र और उनके साथ विक्रांत। देवेंद्र ने अभी तक किसी भी गेंद का सामना नहीं किया है। आखिरी ओवर की पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद और पहले ही खेल बैठे, कुछ समझ ही नहीं पाए थे गेंद के बारे में। गेंद टर्न होकर बाहर की तरफ निकली और गेंद की जो रफ्तार थी वो बहुत ही धीमी थी। बैट्समैन न सोच रहे थे कि तेज आएगी और अधूरे मन से खेलने का प्रयास किया। पहली गेंद डॉट। अब 5 गेंदों में 18 रनों की ज़रूरत, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑन। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, फिर से चूके, एक और डॉट बॉल। गहरे दबाव में इस समय बल्लेबाज देवेंद्र गेंद को बल्ले पर नहीं ले पा रहे हैं और इस तरह की बॉलिंग खेलने का ज़्यादा अनुभव उनके पास नहीं है, लेकिन अब कुछ तो रास्ता ढूंढ ही निकालना पड़ेगा। फुल टॉस, ओहो हो, उसका भी फायदा नहीं उठा पाए। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, लेग बाई के जरिए मात्र 1 रन। तो पहली 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया है, अब बची हुई 3 गेंदों पर 17 रनों की ज़रूरत। चेजिंग कंपलसरी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो तीनों भी गेंदों पर छक्कों की ज़रूरत है पीजी स्पोर्ट्स कास्ट टीम को। देवेंद्र जो एक चौका लगा चुके हैं और सबसे अच्छा स्ट्रोक इस पारी का देवेंद्र के बैट से निकला है। अगली गेंद, शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। पहले बाउंस पर फील्डर उठाते हुए डीप स्क्वेरिश मिड विकेट की दिशा में, केवल 1 रन। तो मैच में जो रोमांच निर्माण हुआ था वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। धनेश इलेवन कुक से टीम जीत की दहलीज पर, महज औपचारिकता शेष। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार फिर से पुल करने का प्रयास, गेंद और बल्ले में मुलाकात ही नहीं बना पा रहे बैट्समैन देवेंद्र। 4 डॉट बॉल्स खेल चुके हैं देवेंद्र, जबकि 6 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता थी। पंकज ने कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास नहीं किया है, अपनी नॉर्मल डिलीवरीज वो कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। इस बार फुल टॉस, चूक गए, क्लीन बोल्ड, और इसके साथ ये मैच जीत लिया है धनेश इलेवन कुक से टीम ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस धनेश इलेवन।